ऑलराइट जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे मैथ्स के PYQs, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के PYQs। तो फिजिक्स के अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर मैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी इम्पोर्टेंट PYQs थे मैं सारे ले आया हूँ ताकि डिस्कस हो पाए। थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट होगा मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा, उसके मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो थ्योरी वाले रहेंगे। मेनली हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल जो पार्ट होगा उस पर ही फोकस रहेगा, ठीक है। डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम थिकनेस ऑफ थिन फिल्म आउट टू विच वन कैन सी द इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो अब यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करते हैं, हम लोग जानते हैं कि फॉर थिन फिल्म वाले के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 2 μ cos r − λ/2। ये देखो ये पार्ट डिफरेंस होता है, ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस होता है और हम लोग थिन फिल्म के लिए मैक्सिमम के लिए कंडीशन हम लोग जानते हैं कि जो पार्ट डिफरेंस इंटरफेरेंस अगर सस्टेनेबल होना चाहिए तो उसके लिए होना चाहिए पार्ट डिफरेंस शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ कोहरेंस। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके ऊपर अभी बात बात करेंगे। तो ये यहाँ पर कंडीशन लगा दी थी, एल कोहरेंस होता है λ² / δ λ, कोई वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही तो उसकी वेव लेंथ है, और δ λ ये है इसका। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 μ cos r − λ/2 शुड बी लेस देन λ² / δ λ। इसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 μ cos r लेस देन λ² / δ λ + λ/2। देखो λ² / δ λ बहुत बड़ा होगा इससे, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। 2 μ cos r शुड बी लेस देन λ² / δ λ। ये शो कर रहा है कि टी की वैल्यू इससे मिनिमम हो, इससे कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो टी मैक्स हमारे पास आ जाएगा λ² / 2 μ cos r − δ λ। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब अगला क्वेश्चन, पहला हो गया हमारे पास सक्सेसफुली। एक्सप्लेन द मिसिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिप, और डिड्यूस द कंडीशन ऑफ स्लिट्स आर दिस एंड दे आर इतने अपार्ट, लेट टेक आर एज जीरो। देखो सिंपली के लिए, इजी बनाने के लिए आर को जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो मिसिंग ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपने लेक्चर्स में समझा दिया है, तो उस वहाँ देख लीजिएगा होता क्या है। जब डबल स्लिट में इंटरफेरेंस का मैक्सिमा, डबल स्लिट फ्राउनहोफर में और डिफ्रैक्शन का मिनिमा आपस में जब कंसाइड करते हैं तो वो जो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आनी चाहिए थी वो एक्चुअली गायब हो जाती है, तो इसे कहते हैं मिसिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस पर एक मिनट, हम लोग कलर यहाँ चेंज कर देते हैं। कंडीशन इसको डिराइव करेंगे तो a+b sin θ इक्वल टू m λ, ये इंटरफेरेंस की कंडीशन हो जाएगी और मैक्सिमा की हो, ए ए ए साइन थीटा इक्वल टू n λ, ये डिफ्रैक्शन की मिनिमा कंडीशन हो जाएगी। दोनों को डिवाइड करेंगे, a+b/a = m/n, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी हिसाब से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि a दिया गया 0.16 और b दिया गया 0.8, ठीक है। यहाँ करेंगे फिर 0.16 + 0.8 / 0.16 = m/n, 0.96/0.16 = m/n, m = 6n। इट मीन्स फॉर n = 1, 2 एंड दिस m कौन से ऑर्डर के मैक्सिमम मिसिंग होंगे, 6, 12 और इस ऑर्डर के मैक्सिमम मिसिंग होंगे, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी हो गया हमारे पास। व्हाट डू मीन बाय फर्मी एनर्जी लेवल, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको मैंने समझाया अपनी वीडियोस में कि गिवन एनर्जी लेवल अब एट 0 केल्विन अप टू विच इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, एक मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है एट 0 केल्विन जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर देते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी लेवल वाला एक मैंने कराया था, एनी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से ∞ dE टाइम स्मॉल डी इंटू FE, ये मैंने अपने लेक्चर में कराया है, शायद 3 लेक्चर में से पहले लेक्चर में ही कराया है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये भी हमारे पास हो गया है। हॉल इफेक्ट वाला मैं इसमें बता देता हूँ, हॉल इफेक्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हॉल इफेक्ट की थ्योरी मैंने बता दी है, तो
डेरिवेशन भी हॉल इफेक्ट में ये फॉर्मूला याद करके चले आना, जे बी डी बाय एनी आर एच जे बी डी और आई बी अपॉन एल एन ई। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले याद रख देना। जब करंट डेंसिटी दिया हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करना, जब हॉल कोफिशिएंट हो, करंट डेंसिटी दिया हो, जब करंट दिया हो, थिकनेस दिया हो, विथ दी हो, तब ये यूज़ करके जाना। ठीक है, तो अपने पास यहाँ क्या क्या दिया देखते हैं ज़रा। एन अपने पास दिया, अल्फा को वन मान लेते हैं, एन अपने पास दिया है, बी दिया है, और इफ सैंपल इस डी दे दिया गया अपने पास, करंट डेंसिटी दे दिया गया, तब तो फिर अपने पास सब दे दिया गया है। जे बी डी अपॉन एनी, एनी दे दिया गया है अपने पास, जे दे दिया गया है, बी दे दिया गया है और डी दे दिया गया है, तो आप डायरेक्ट हॉल वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। क्वांटम टनलिंग वाला आई विल सजेस्ट यू, इसका थ्योरेटिकल आप लोग देख लीजिएगा कि नेट से, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, तो अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा तो एक आपको बनाना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। होता क्या है, अल्फा पार्टिकल कोलम्बिक फोर्स को, जो एटम होती है उसको ओवरकम करके एटम के बाहर चला जाता है। ये होता क्यों है, ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट की वजह से, एक बैरियर पोटेंशियल है कोलम्बिक फोर्स की वजह से, लेकिन उसको ओवरकम कर जाता है, ये होता है टनलिंग की वजह से। थोड़ा डिटेल में आप लोग इसको नेट पर रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये पहला पेपर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसको भी मैं कहूँगा आप नेट से रिफ़र कर लीजिए, मैंने थ्योरेटिकल इसका समझाया है, डायग्राम आप इसका देख लीजिएगा और थ्योरेटिकली कैसे वर्क करता है आप लोग पूरा देख सकते हो, उसमें मैंने वर्क में पूरी वीडियो में बताया, आप उसमें देख लीजिएगा। टू पैरेलल स्लिट, इसको भी हम लोग करते हैं थोड़ी देर में। क्या क्या है, टू पैरेलल स्लिट है, इतने मीटर वाइड है, ए दिया गया अपने पास 0.19, बी दिया गया 0.41, इल्यूमिनेटेड बाय दिस कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लेमडा, या फिर इसको लिखते हैं एफ बाय डी, किस डिस्टेंस पर ये फोकस हुआ। थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा जो कि टेन थीटा होता है, तो यहाँ से अगर मान लो डी डिस्टेंस पर है और एफ है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा निकालना, उस तरह से निकाल देंगे आप लोग। अब ये हो जाएगा, ये हो गया। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग अभी पीछे ही बात की है, एनी यहाँ से निकालेंगे आप लोग, वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, हॉल इफेक्ट, इस पर भी बात हो चुकी है, डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ चार्ज कैरियर, ये थ्योरेटिकल है, इसमें आप लोग देख लेंगे, क्योंकि जो आर एच की जो साइन आता है वो साइन मेजोरिटी चार्ज कैरियर का ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं अल्फा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस वन होता है, कहाँ से निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि अल्फा होता है करंट गेन फॉर कॉमन बेस, तो एक कॉमन बेस के लिए फिर आई सी बाय आई ई होता है, और बीटा होता है कॉमन एमिटर, ये आई सी बाय आई बी हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग जानते हैं आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई सी, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं आई सी से डिवाइड करा दूँ मैं, 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1, यहाँ से डराइव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना। फाइंड द एनर्जी लेवल इन सोडियम दैट प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेशन, इसका ये फार्मूला है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया था कि 1 प्लस 1 प्लस e टू द पावर e माइनस e f डिवाइडेड बाय KT। ठीक है, तो अपने पास दिया क्या क्या है, देखो हम लोगों को एनर्जी लेवल निकालना है, E निकालना है, एनर्जी फर्मी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला भेज दो। अगला है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इसका डेरिवेशन मैंने करा दिया, उसको देख लेगा। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डिराइव एक्सप्रेशन, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट, फार्मूला फॉर इट, चार्ज डेंसिटी, यहाँ से जैसे वी एच इक्वल टू जे बी डी बाय एन ई होता है, तो एन कितना हो जाएगा, जे बी डी अपॉन वी एच ई, खत्म यहाँ से खेल। एल एल बीम ऑफ सोडियम ऑन वाटर, ये वाला है, देखते हैं इसको।
लोग जानते हैं टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये पाथ डिफरेंस फार्मूला होता है, कुछ भी इसमें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसको रटिएगा, बाकी कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम के हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। अब अपने को कहा गया है कि अगर वेवलेंथ इतनी है स्ट्राइक करी ऑयल फिल्म कोटिंग को व्हेन व्यूड एट दिस एंगल नॉर्मल, तो अपने को आर ना देखे थीटा या इनिशियल आई दिया गया है जो कि 30 डिग्री, तो ये साइन आई बाय साइन आर से इक्वल बाय म्यू से आर निकाल लेंगे। तो फार्मूला देखो, ये फार्मूला होता है, और अपने को क्या गया एट्थ डार्क बैंड, तो टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय टू इक्वल टू 2a-1, लैम्डा बाय डार्क की कंडीशन ही हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एम लैम्डा। हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड द थिकनेस निकालनी है, तो टी इक्वल टू एम लैम्डा बाय टू म्यू कॉस आर। अपने पास म्यू दिया है, म्यू भी दिया है, एम भी दिया है, एट्थ डार्क बैंड म्यू भी दिया है, कॉस आर आप यहाँ से निकालिएगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू होगा, तो साइन आर इक्वल टू साइन आई बाय म्यू, तो यहाँ से कॉस आर भी निकल आएगा, तो ये वाला भी काम हो गया। हॉल इफेक्ट वाला देखो वही है मैंने बताया था, आई जब आई दे दिया जाए तो विथ और थिकनेस दोनों दे देंगे, तो वी एच इक्वल टू आई बी अपॉन एल एनी ये लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखिए हॉल वोल्टेज अपने को दिए हैं, फाइंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, फाइंड द कैरियर कंसेंट्रेशन, एन निकालना है और कुछ नहीं। अगले चलते हैं हम लोग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए ये वाला रिपीट फिर से हुआ, मैक्सिमम वेवलेंथ ठीक है, ग्रेटिंग की कंडीशन होती है ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये ग्रेटिंग कंडीशन होती है, या फिर ग्रेटिंग इक्वेशन कहें। अब करेंगे क्या हम लोग, मैक्सिमम वेवलेंथ कही है तो मैक्सिमम के लिए थीटा 90 हो जाएगा, और थर्ड ऑर्डर के लिए दिया है तो एन इक्वल टू 3, तो हमारे पास लैम्डा हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन एन। अब ए प्लस बी की ही वैल्यू निकालनी है, अभी निकालेंगे कैसे, मान लो 6000 लाइन्स हैं 10^-2 मीटर में, तो एक लाइन कितने मीटर में होंगी, 10^-5/6, यही हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, तो यह हम लोग पुट कर देंगे 10^-5.6 × 3, ये हमारे पास आंसर। ये फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बैंड गैप डेल्टा ए जी इतना दिया है, कैलकुलेट होल इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, एन आई इक्वल टू एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 kT टाइम्स टी टू द पावर 3/2, ये फार्मूला यहाँ यूज़ कर लें तुम्हारा काम हो जाएगा। ऑब्टेन जिसका मैंने डेरिवेशन कराया, ऑब्टेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका भी मैंने डेरिवेशन कराया है वर्किंग एंड प्रिंसिपल वाला, ये तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। साइक्लोट्रॉन बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग देख लेंगे इसका, बाकी हमारा यह काम हो गया। ये देख लेंगे, ये प्रीवियस ईयर का ही है ग्रेटिंग वाला, थ्योरेटिकल इसको छोड़ देते हैं हम लोग। पैरेलल बीम स्ट्राइक्स ऑयल, देखिए ये प्रीवियस ईयर फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। वेव फंक्शन इस बार हमें दिया गया है, हेंस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन शो दैट, देखो होता क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेशन और जो पोटेंशियल बॉक्स है वेल ऑफ लेंथ 0 से L है, तो 0 से L में ही इंटीग्रेट करेंगे, साई हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से L 1 − cos 2n π x/L डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू √2L आ जाएगी, ठीक है, बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और यहाँ फिर अपना ये वाला काम हो गया, व्हाट इज़ हॉल इफेक्ट, हॉल एंगल मोबिलिटी, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया है। राइट इज टू एप्लीकेशन की मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, ये थ्योरेटिकल है, प्रूव दैट की डायमीटर
ये कंडीशन में डेल्टा एक्स में होता है डी स्क्वायर बाय 4 आर माइनस लेमडा बाय 2। तो ये अगर डार्क के लिए फॉर ब्राइट पूछ रहा है तो एम लेमडा, तो डी स्क्वायर बाय 4 आर इक्वल टू हो जाएगा 2m+1 लेमडा बाय 2। यहाँ से ले सकते हैं डायमीटर डायगे पोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 2m+1, यहाँ से आ गया। ठीक है, व्हाट इज़ फर्मी एनर्जी लेवल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, ये भी हो जाएगा अपने पास। एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन हो, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, ये तो थियोरेटिकल वाला है। इसका भी एक Vp इक्वल टू ई बाय पी एम सी स्क्वायर अपॉन एम वी सी स्क्वायर बाय वी, यहाँ से आ जाता है। प्रोबेबिलिटी वाला ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए करोगे क्या, देखो ऐसे इंटीग्रेशन लोग जानते हैं, साई स्क्वायर dx होता है इक्वल टू 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन इसमें कहा गया कि इस रेंज के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और अ बॉक्स ऑफ लेंथ दिस एल है। तो हम लोग जानते हैं फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम, जो हमारा साइज बार गिवन नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए √2 πL sin n πx/L। यहाँ बस पुट कर देंगे 0.45 से 0.55 L 2 πL sin n π sin² n π x/L dx, बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये भी अपना हो गया। अगला चलते हैं कि वाइट लाइट अगर ओवर थिन फिल्म जाएंगे कलरफुल बैंड बन जाएगा, पाथ डिफरेंस क्रिएटर, इसका फॉर्मूला होता है एन लैम्डा। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ रिंग्स डिसअपियर हुई इनटू लैम्डा, कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑर्डर अचीव बाय ग्रेटिंग ऑफ लाइंस वन, एन निकालना है। ठीक है, a+b sin θ इक्वल टू एन लैम्डा, अपने को एन निकालना है, लैम्डा दिया है, साइन थीटा मैक्सिमम के लिए 1 हो जाएगा। a+b आप यहाँ से निकाल लोगे कि ए कितनी है, 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4 लाइन्स, 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। एक लाइन आएगी 10 टू द पावर -6 मीटर में, सॉरी ये मीटर हो जाएगा। a+b की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -6, यहाँ से निकल आएगा। एब्सेंट स्पेक्ट्रा, ये बेकार थ्योरेटिकल वाला, इसको देख लीजिएगा। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिन और सेंट्रल वाला न्यूटन रिंग का, ये डार्क क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो डार्क का रीज़न ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि ये न्यूटन रिंग हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वेज शेप वाले का। ठीक है, ये जो थिन फिल्म बन जाती है, तो एक वेज शेप फिल्म बनती है, उसका फॉर्मूला होता है 2 μt cos r+θ - λ/2 पाथ डिफरेंस। और इंटरफेरेंस की कंडीशन है तो म्यू की वैल्यू 1, थिकनेस अप्रोक्सीमेट एट एपेक्स पे, टी अप्रोक्सीमेटली 0 अगर हम लोग कंसीडर कर दें, तो डेल्टा एक्स इतना आएगा -λ/2। और अगर पाथ डिफरेंस 2m-1λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो वहाँ पे मिनिमा आता है। ठीक है, इसी वजह से एपेक्स स्पेस के डार्क आता है। एक ये फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म थिकनेस कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा है, ये थोड़ा सा ब्लर है इसीलिए अब चिंता की बात तो वैसे। डिस्कस द फिनोमेना, में रीड कर लेते हैं, डिस्कस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, ये तो मैंने डिराइव करवाया है। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट सोर्स इज दिस, फाउंड दैट nth डार्क एंड कंसाइड विद n+ डार्क डायमीटर, इसको मैं भी दिखाता हूँ। व्हाट इज फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है ये भी देखिए, प्रीवियस ईयर इंट्रिंसिक के लिए फर्मी एनर्जी मिडिल ऑफ द फॉरबिडन बैंड, ये हो जाएगा। एक मैंने कराया था EF इक्वल टू डेल्टा Eg/2 वाला, मैं लेक्चर से आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टू सेम दिस हॉल कोफिशिएंट इज डिटरमाइन द करंट डेंसिटी अज्यूमिंग दिस म्यू, मोबिलिटी इस बार गिवन है। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, मोबिलिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और जे निकालना है, आर गिवन है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि मोबिलिटी होता है VD/E और VD होता है J/NE। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि J/NE इक्वल टू μe हो जाएगा। ठीक है, और 1/NE RH होता है, तो RH into J इक्वल टू μe, तो यहाँ से हम लोग जे निकाल सकते हैं μe/RH से। ठीक है, यहाँ से हमारा जे आ जाएगा। अगला ये हो जाएगा वर्किंग बीटाट्रॉन, देख लीजिएगा थ्योरेटिकल है। वेव फंक्शन ऑफ सर्टेन पार्टिकल ऑफ साई इक्वल टू, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं,
फॉर्मूला था जे का, आप लोग यहाँ से ले रही है म्यू ई अपॉन आर एच। वेव फंक्शन साई इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स, ये आई गेस दिख नहीं रहा है। कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसको मैं आई गेस जब जान के पता चलेगा तो मैं आपको इसमें ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो जितनी चीज़ें थी थ्योरेटिकल वाली मैंने छोड़ दी हैं, वो थ्योरेटिकल वाली आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बाकी तो न्यूमेरिकल जितने थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। थैंक यू।